शिक्षकों के साथ जो नियमावली बनाई गई है वह नियमावली हड़बड़ी में बनाई है, कई गड़बड़ी है, इसको सुधारे और शिक्षक को सामाजिक सम्मान के साथ साथ बिहार के बच्चों को प्रतिभा बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रतिभावान शिक्षकों की बहाली हो और उसके लिए ये नियमावली उपयुक्त नहीं है। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसका भी सम्मान करते हुए एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए जिसमें यहाँ के शिक्षकों का मनोबल बढ़े। सहयोगी हैं जो 4.5 लाख शिक्षक हैं और भी कई संवर्ग के शिक्षक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए शिक्षक, जहाँ हमारी सरकार, हम सहयोगी सरकार की बात नहीं करते, वो हमारी भूल थी जो हम सरकार में थे, और हमारी सरकार जहां है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, भाजपा की सरकार में एकदम स्पष्ट शिक्षा नीति, भारत सरकार ने भी शिक्षा नीति 2019 बनाया 20, उसके तहत हम पूरे चीजों को स्थापित करें। जो घोर अनर्थ नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, नई नियमावली बनाया, नियमावली नई और शिक्षक पुराने, तो नई नियमावली तो नए शिक्षक पर ना लागू होगा कि पुराने शिक्षक पर लागू होगा? एक पुराना टीचर का है, एक नया टीचर का है, एक होने वाला टीचर का, ऐसा कहीं नियमावली दुनिया में रहा है क्या? अरे जब उनके दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो दूसरा का दिमाग कहाँ से ठीक हो जाएगा? ये सब जो पढ़ा रहा है सब उर्वरक है, वही ज्यादा चलांक है। लड़ना आपको है, हम सहयोगी हैं, जो 4.5 लाख शिक्षक हैं और भी कई संवर्ग के शिक्षक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जहां तक हमारे ऊपर प्रश्न है, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई साथी ने अपने ही बताया कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए शिक्षक, जहां हमारी सरकार, हम सहयोगी सरकार की बात नहीं करते, वो हमारी भूल थी जो हम सरकार में थे, और हमारी सरकार जहां है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, भाजपा की सरकार में एकदम स्पष्ट शिक्षा नीति, भारत सरकार ने भी शिक्षा नीति 2019 बनाया 20, उसके तहत हम पूरे चीजों को स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग के खड़े लिए, आपके साथ खड़ो सहयोग के लिए खड़ी है, हम कोई राजनीति इसमें नहीं करेंगे, हम शुद्ध आपके साथ, आपकी लड़ाई में आपके सहयोगी बनेंगे। और जो आपके मुद्दे हैं, कई मुद्दों आप लोगों ने लिखाया है, जिसमें राजकर्मी का मामला है, काला कानून का मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स का मामला है, 6 से लेकर 8 तक के जो क्लास के टीचर हैं उनके भरने का प्रक्रिया है, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी के तहत जो चीज़ें आनी है वो करना है, टीचर के लिए अलग से परिषद बना हुआ है पूरे देश में, उसके तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पर चर्चा हुई है। अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि जुलाई के माह में तारीख आप लोगों से बात करके महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जिसके माध्यम से जो राजकर्मी और जो अन्य चीजें आपने तय किया है वो एक कमेटी बनाकर जो 10 पॉइंट्स जो आप तय करेंगे उन मुद्दों के साथ महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देने का काम ठीक। जो घोर अनर्थ नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, नई नियमावली बनाया, नियमावली नई और शिक्षक पुराने, तो नई नियमावली तो नए शिक्षक पर ना लागू होगा कि पुराने शिक्षक पर लागू होगा? इस राज्य में नियमावली शिक्षक के लिए एक न रहेगा कि 5-7 को रहेगा? एक पुराना टीचर का है, एक नया टीचर का है, एक होने वाला टीचर का, ऐसा कहीं नियमावली दुनिया में रहा है क्या? आपने जब अभ्यर्थियों से परीक्षा ले लिया कि हम आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए जितना पद है उतना ही पद पर हम आपको रिजल्ट देंगे, आपने निकाला भी, अब आजकल करते करते आप कहते हैं बीपीएससी लेगा, अब बीपीएससी से पास करके आवे तो कहीं यूपीएससी लेगा, ये कोई बात नहीं ना हुई। ये राज्य कहते हैं कानून के आधार पर चलता है, तो कानून क्या है कि आप एक बार पेपर में एडवर्टीजमेंट दे के कुछ कहिए और दूसरे के बार कुछ कहिए,
इसलिए इनके साथ जो घोर अनर्थ हो रहा है, जो सरकारी शिक्षक का दर्जा नहीं मिल रहा है नियोजित शिक्षिका का, उसके खिलाफ और उसके शिक्षक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम लड़ाई लड़ेगी और इनको न्याय तक पहुंचाएगी। बैठक में क्या निर्णय लिया गया सर? अभी हर एक संघ लिया गया कि जुलाई में हम लोग सबसे पहले महामहिम राज्यपाल से डेलीगेशन मीट करेंगे शिक्षकों के साथ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने अच्छा है या नहीं है तो उनका शिक्षा कहाँ से अच्छा चल जाएगा? नीतीश कुमार इतना दिन से जो बहाली किए खराब शिक्षक के बहाली किए हैं। अरे जब उनके दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो दूसरा का दिमाग कहाँ से ठीक हो जाएगा? ये सब जो पढ़ा रहा है सब उर्वरक है, वही ज्यादा चलांक है। शिक्षकों के साथ जो नियमावली बनाई गई है वह नियमावली हड़बड़ी में बनाई है, कई गड़बड़ी है, इसको सुधारे और शिक्षक को सामाजिक सम्मान के साथ साथ बिहार के बच्चों को प्रतिभा बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रतिभावान शिक्षकों की बहाली हो और उसके लिए ये नियमावली उपयुक्त नहीं है। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसका भी सम्मान करते हुए एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए जिसमें यहाँ के शिक्षकों का मनोबल बढ़े और शैक्षणिक वातावरण बने। आप लोग राज्यपाल से भी मिलने जाएंगे क्या इन लोगों की बातों को लेकर? मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी तो शिक्षक का सामाजिक सम्मान के साथ साथ हमारी शैक्षणिक वातावरण बेहतर बने, ये उत्तर प्रदेश गुजरात का मॉडल बिहार में भी लागू होगा। आंदोलन करने की बात करें तो हम परीक्षा क्यों दे? ये गलत है, ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, शिक्षकों को बरगला कर ठगना चाहती है। केंद्र सरकार की नीति के व्यवस्था में ये हड़बड़ी में जो नियमावली बनाई है ये काफी गड़बड़ी है, भविष्य में बहुत समस्या खड़ा हो जाएगा इससे। बहाली फंसाने की कोशिश की।